हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आस्था की रसोई। जैसा कि आप सभी को पता है कि राखी आने वाली है और राखी में हम सभी स्वीट डिश खाते हैं, मीठा कुछ भी चीज़ बनाते हैं। अभी जो माहौल चल रहा है उसमें हम जनरली अवॉइड करते हैं कि बाहर से कुछ मीठा लेके आए। तो मैं आज आपके लिए एक ऐसी इंस्टेंट स्वीट रेसिपी लेके आई हूँ जिसे आप बिना फ्लेम के ही बना सकते हैं, जो झटपट तैयार होगी और खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो चलिए हम देखते हैं। उसके लिए हमें लेना है ओरियो बिस्किट, जो कि सभी का फेवरेट होता है, बच्चों का भी और बड़ों का भी। तो मैंने यहाँ पे वनीला फ्लेवर वाला ओरियो का क्रीम बिस्किट लिया है। यहाँ पे हम इसे एक बोल में निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने 2 5 रुपए वाले 2 पैकेट बिस्किट लिए हैं ओरियो के, और मैंने इसे एक बोल में निकाल लिया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जितने भी बिस्किट्स हैं उसके हम इसे अलग करेंगे और उसके जो क्रीम है इसको अलग निकाल लेंगे दूसरे बोल में। ऐसे सभी बिस्किट्स के क्रीम हम सेपरेट निकाल लेंगे। देखिए, मैंने दोनों बिस्किट्स से पूरे क्रीम को निकाल लिया है और अलग अलग कर लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम बिस्किट्स को ऐसे छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ के मिक्सी के जार में से अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। जार में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। आप चाहें तो इसे एक बार छान भी सकते हैं ताकि इसमें कोई भी बिस्किट के टुकड़े ना रहे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे मैंने लिया है फ्रेश जो मलाई रहती घर की, वो अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप इसमें कंडेंस मिल्क भी डाल सकते हैं या फिर दूध का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो मलाई है वो अच्छा टेस्ट देती है। यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसमें अपने बिस्किट के पाउडर में डालेंगे फ्रेश मलाई। यहाँ पे मैंने 3 चम्मच जो हम घर में नॉर्मली खाते हैं उस चम्मच से 3 चम्मच मलाई ली है और अच्छे से इसे हम मिक्स कर देंगे। जैसे अच्छे से मैश करेंगे जैसे हम आटा लगाते हैं उस तरीके से, अगर हमको ज़रूरत पड़ेगा तो हम इसमें और थोड़ा सा मलाई लेंगे क्योंकि अच्छे से ये बाइंड होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं 1 चम्मच और मलाई यूज़ कर रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से मैश हो गया है पूरा, ऐसे बाइंड होते तक इस स्टेज तक आते तक हमें इसे अच्छे से मैश करना है। अब हम जो करेंगे, हमने जो ये बिस्किट के क्रीम निकाले थे वो क्रीम लेंगे और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे डेसिकेटेड कोकोनट, जो हिंदी में हम बोलते हैं खोबरा नारियल का, इसे हम डालेंगे इसमें और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे हमें कितना खोबरा लेना है ये डिपेंड करता है कि आपके क्रीम में ये कब तक बाइंड हो रहा है। यहाँ पे हम उतना ही नारियल का जो बुरादा लिए खोबरा वो उतना ही लेंगे जब तक वो हमारा जो क्रीम है ये बाइंड होता रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। उस हिसाब से हम अंदाज लगा के लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए हमारा मिक्सचर जो है ये तैयार हो गया है, मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। अब यहाँ पे हम बनाएंगे जो हमारा मिक्सचर जो लिया था बिस्किट का। फ्रेंड्स देखिए, इस टाइप से हमारे मोदक का एक मोल्ड आता है, ये मोल्ड हम लेंगे। इस मोल्ड में हम अंदर में ओपन करके घी लगा लेंगे अच्छे से। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम जैसा मोल्ड आता है ये ऐसे बंद हो जाता है ऐसे ऐसे, मैं आपको बिना मोल्ड के भी बनाना बताऊंगी। अब यहाँ पे हम ये मिक्सचर है इसको थोड़ा सा लेंगे, ऐसे राउंड करेंगे, इसके अंदर में इंसर्ट करेंगे ऐसे ऐसे, और इसे दबाते हुए बीच में जो हमको यहाँ पे होल रखना है चारों तरफ इसे अच्छे से ऐसे दबा लेंगे प्रेस करके। देखिए सर, मैंने पूरा अच्छे से फिल कर लिया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा क्रीम वाला मिक्सचर था वो लेंगे ऐसे अंदर में फिल कर देंगे इसके। उसके बाद जो मिक्सचर है फिर से ला के इसको पूरा पैक कर देंगे। देखिए हमारा जो लड्डू है, मोदक है, ओरियो मोदक बोल सकते हैं आप, ओरियो डेजर्ट बोल सकते हैं, ये देखने में कितना सुंदर दिख रहा है, जितना सुंदर ये देखने में है खाने में उतना ही टेस्टी है। अब मैं आपको इसको बिना मोल्ड के भी बनाना बताती हूँ। ऐसे ले लेंगे थोड़ा सा बोल, ऐसे से राउंड करके
बीच में प्रेस कर लेंगे। जैसे हम ऐसे आटे का लोई बनाते हैं तो बीच में जो छेद रखते हैं स्टेप से, और ये मिक्सचर लेंगे वाइट वाला, क्रीम वाला मिक्सचर, इसको इसमें रख के इसे अंदर से ऊपर से हम पैक करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये बिना मोल्ड के बन गया ये। अब इसमें हमें डिज़ाइन बनाना है, तो हम इस तरीके से फोक लेंगे और इसे हल्के हल्के हाथ से इसे प्रेस करके इसमें हल्का डिज़ाइन बना देंगे। ज़्यादा जोर से प्रेस मत करिएगा, नहीं तो अंदर तक पूरा वो निकल जाएगा जो हमने फिलिंग की है अंदर में। ये फ्रेंड्स, ये तैयार है, ये हमारे मोल्ड में बना हुआ है। और ये अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप बिना मोल्ड के भी इसे इस तरीके से बना सकते हैं। अब और जो मिश्रण है उसे हम बाकी बना बचा हुआ भी तैयार कर लेते हैं। ये फ्रेंड्स, हमारे मोदक जो है बन के तैयार है, दिखने में भी बहुत सुंदर है। हालांकि ये जो हमने हाथ से बनाया है दिखने में उतना सुंदर नहीं है, लेकिन ये टेस्टी है। अगर आप बिना मोल्ड के बनाना चाहें तो इस तरीके से बना सकते हैं। आप ये घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। और इसको यूज़ करने के लिए फ्रेंड्स, कि दो दिन के अंदर यूज़ कर लिए, क्योंकि इसमें हमने फ्रेश मलाई डाली है। अगर इसको बाहर रखेंगे तो ज़्यादा दिन तक ठीक से नहीं रहेगा। फ्रिज में रखेंगे तो दो दिन आप आराम से यूज़ कर सकते हैं इसे। और इस राखी में ज़रूर ट्राई करिए, नई टाइप की मिठाई है, बच्चों को तो बहुत पसंद आएगी। तो इसे ट्राई करिए और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अगर आप, मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ कि कितना सॉफ्ट है ये। देखिए, छूने से ही ऐसे टूट रहा है। ये देखिए कितना सॉफ्ट है। और मैं टेस्ट भी करके बताती हूँ। बहुत ही टेस्टी है, तो ट्राई जरूर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।